हेलो एवरीवन वेलकम टू कैपस्टोन आईएएस लर्निंग एंड वेलकम टू आर सेवनिधि मींस प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एंड दिस इज बेसिकली क्रेडिट स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों के बिजनेसेस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा वो है ये स्ट्रीट वेंडर्स इसीलिए इनके बिजनेस को रिवाइव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पीएम स्वनिधि जिसके तहत इन स्ट्रीट वेंडर्स को अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे दिस वीडियो फर्स्ट वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड रोल ऑफ वेंडर्स इन आर अर्बन इकोनॉमी स्वनिधि अभियान सो नाउ What is the of goods to at जैसा कि हमें पता है हमारी इकोनॉमी में एसेंशियल गुड्स के सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो ये स्ट्रीट वेंडर्स है ये एक इम्पोर्टेंट लिंक बनते हैं और ऐसा लॉकडाउन के पीरियड में देखने को भी मिला और इन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स के कारण गवर्नमेंट को ये असिस्ट करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे मुद्दों से कॉम्बैट किया जा सके और इन्हीं कारणों से स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि ये जो छोटे ऑन्ट्रप्रनोर्स हैं जो ये माइक्रो ऑन्ट्रप्रनोरस हैं इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि ये एक ऑनेस्ट लिविंग को अर्न कर सकें जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लॉकडाउन के दौरान लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में आए सामने हमारे स्ट्रीट वेंडर्स इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को पोस्ट कोविड पेंडेमिक जो पीरियड होगा उसको रिवाइव करने के लिए इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू री स्टार्ट अब हमारे लिए जो जानने की बात है वो ये कि पर्टिकुलरली वाई देर इज अ डेडिकेटेड स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स इसके पीछे रैशनल क्या है कि इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऐसी स्कीम को लॉन्च किया क्यों गया और उसके बाद हम समझेंगे इस स्कीम के प्रोविजन क्या हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनके पास सेविंग्स नहीं होती हैं ये डेली बेसिस पे अपना कंजम्पशन करते हैं मतलब सुबह से लेके शाम तक मेहनत करने के बाद जो इनके पास पैसा आता है उसी के थ्रू ये अपना कंजम्पशन कर लेते हैं उसी को ये कंज्यूम कर लेते हैं और इनके पास बहुत ही स्मॉल सेविंग्स होती हैं बट जब लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के बाद इनके जो बिजनेस को वापस स्टार्ट करना है उसके लिए इनके पास अब पैसा नहीं होगा जो सेविंग्स थी वो तो इन्होंने क्या कर ली कंज्यूम कर ली लॉकडाउन के पीरियड में अब इसीलिए अब जब वापस बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उसे पूरा करने के लिए इनफॉर्मल सोर्सेज के पास जाएंगे जो कि इन पे हाई इंटरेस्ट रेट्स को चार्ज करेंगे जिससे ये वापस किस में आ जाएंगे एक डेप ट्रैप में फंस जाएंगे इसीलिए देर इज एन अर्जेंट नीड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर वर्किंग कैपिटल थ्रू फॉर्मल बैंकिंग चैनल जो ये इनफॉर्मल सोर्सेज में अटके हुए थे ना उन सबको अब फॉर्मल चैनल में लाके क्या करना है इकट्ठा करना है इन स्ट्रीट वेंडर्स को ताकि ये अपने बिजनेसेस को रिज्यूम कर सकें और इस स्कीम के माध्यम से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा बन सकेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस स्कीम का इसीलिए ऐसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम की आवश्यकता भी हमें नजर आती है अब हम देखते हैं कि चाइना का जो मॉडल था उसमें भी हमें देखने को मिला कि ये जो ऐसे जो हॉकर्स हैं इन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जैसा कि हमने यहां पे देखा कि ये जो बात हमने यहां पे लिखी है स्ट्रीट वेंडर्स असिस्ट द गवर्नमेंट इन कॉम्बेटिंग

राइट right? अब इस स्कीम के माध्यम से दस हजार रुपए तक का क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा जिसको विदाउट कोलेक्ट्रल दिया जाएगा यानी कि कोई भी गारंटी की आवश्यकता नहीं है कोई कोलेक्ट्रल की आवश्यकता नहीं है किसी भी स्ट्रीट वेंडर को और इस दस हजार रुपए को मंथली बेसिस पे उन्हें एक साल के अंदर अंदर रीपेमेंट करना है यहां पे एक बात और हमें समझनी है अगर ये कोई भी स्ट्रीट वेंडर इस पूरे लोन को पहले रीपेमेंट कर देता है अर्ली रीपेमेंट कर देता है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी यहां पे हमें समझना है कि जब भी कोई एक लोन लिया जाता है बैंक से तो बैंक और उस पार्टी का एक अग्रीमेंट होता है उस अग्रीमेंट में लेट से बैंक ने बोला कि पांच साल तक के लिए हम आपको लोन दे रहे हैं तो उस पांच साल के अग्रीमेंट के दौरान बैंक अपना उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है अगर इस पार्टी ने पहले ही प्रीपेमेंट कर दिया तो जो बैंक को नुकसान होना है इंटरेस्ट रेट का उसकी भरपाई के लिए बैंक जनरली क्या करते हैं अर्ली प्री पेमेंट पे पेनल्टीज लगाते हैं यह पेनल्टी को इस स्कीम के थ्रू स्ट्रीट वेंडर्स को जो रीपेमेंट का जो ऑप्शन है उसमें इस पेनल्टी को माफ किया गया है वो पेनल्टी यहां पे नहीं लगेगी उसके बाद अगर कोई भी स्ट्रीट वेंडर डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उन डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा थ्रू दी कैश बैक्स राइट नेक्स्ट आस्पेक्ट इस अगर ये जो रीपेमेंट है बिल्कुल टाइमली पेमेंट कर देते हैं टाइम पे बिल्कुल रीपेमेंट हो गया तो उसके कारण इन स्ट्रीट वेंडर्स को सेवन परसेंट पर एन इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी जो कि सिक्स मंथ बेसिस पे इनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाएगा राइट right? यानी कि अब ये जो सात परसेंट एनुअल सब्सिडी है ये सिक्स मंथली बेसिस पे उनको दिया जाएगा अगर ये टाइमली अपने लोन को रीपे कर देते हैं उसके बाद अगर इनका ये ओवरऑल रीपेमेंट बिल्कुल टाइम से चलता रहा खाता एकदम जो इनका अकाउंट है बिल्कुल सही चलता रहा तो इनके क्रेडिट स्कोर को देखते हुए ये जो दस की लिमिट है इसको एनहेंस करके बीस कर दिया जाएगा मतलब नेक्स्ट टाइम जब वो लोन लेने जाएंगे तब उस लिमिट को ये इंक्रीज करके बीस हजार तक का लोन ले सकते हैं सो दीज आर दी मेजर प्रोविजंस फॉर पीएम एम अभियान जो हमें याद रखने हैं पहला है दस हजार रुपए का लोन विदाउट कोलेट्रल विदाउट गारंटी और मंथली पेमेंट पे मंथली पेमेंट करना होगा एक साल के अंदर अंदर उन्होंने रीपेमेंट करना है अर्ली रीपेमेंट का कोई पेनल्टी नहीं होगा डिजिटल ट्रांजेक्शंस करेंगे तो कैश बैक मिलेंगे और टाइमली पेमेंट कर देंगे तो सेवन परसेंट एनुअल सब्सिडी भी मिलेगी जो सिक्स मंथ बेसिस पे डीबीटी के थ्रू इनके अकाउंट में आ जाएगी और अगर ये टाइमली रीपेमेंट करेंगे तो इनका जो क्रेडिट लिमिट है वो दस हजार से बढ़ाकर बीस हजार कर दिया जाएगा नाउ वी विल रीड द ड्राफ्ट सबसे पहला पॉइंट है देंडर्स कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू रूपीज टेन थाउजेंड विच इज रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट विद इन अयर जैसा कि हमने डिस्कस किया एंड द लोन वुड बी विदाउट कोलेट्रल किसी भी गारंटी की जरूरत इस लोन के लिए नहीं होगी एंड इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारे एनबीएफसीस हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी ऐसी स्कीम का हिस्सा बनेंगे इन स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए अब अगर हम बात करें अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी की जो कि इस स्कीम के तहत नहीं लगाई जाएगी पहले ऐसा होता था कि जो मनी है जो बहुत सारे बैंक्स हैं वो ऐसे चार्जेस ऐसी पेनल्टीज क्या करते हैं चार्ज करते हैं अगर हम लोन्स को अर्ली पेमेंट कर देते हैं दोज़ ओवर वेंडिंग टिल 24th मार्च 2020 कहने का मतलब ये है 24 मार्च 2020 जिस दिन से लॉकडाउन लगाया गया उससे पहले तक जो लोग वेंडिंग कर रहे थे उन लोगों को इस स्कीम का हिस्सा बनने के लिए

इसके बाद बात आती है ई गवर्नेंस की और ई गवर्नेंस के बाद हम देखेंगे कि ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हैं इनको कैसे एनकरेज किया जा रहा है बाय दी इंसेंटिव और कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी होगा क्यों फोकस करना जरूरी है अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन को हमने क्या करना है बढ़ाना है तो उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके ऐसे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को चलाएगा जिसके थ्रू जो ये इंफॉर्मेशन है एजुकेशन है और ये कम्युनिकेशन एक्टिविटीज थ्रू आउट दी कंट्री की जाएंगी एस्केलेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट्स की अगर हम बात करें तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है दस हजार की लिमिट पहले थी अब इस दस हजार को इन्होंने टाइमली रीपे कर दिया है तो नाउ दे आर एलिजिबल फॉर हायर अमाउंट ऑफ टर्म लोन जिसको बोला गया बीस हजार का अमाउंट उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट सब्सिडी है सेवन परसेंट पर एन एम विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट अगर ये जितने भी बेनिफिशरीज हैं अपना टाइमली या अर्ली रीपेमेंट कर देते हैं इस पूरे लोन को और जो ये सब्सिडी होगी ये सिक्स मंथ बेसिस पे इनको दी जाएगी अब आता है अर्बन लोकल बॉडीज का योगदान जितने भी बेनिफिशरीज हैं इन बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना जो ये काम है सबसे मेजर काम होगा अर्बन लोकल बॉडीज का इसीलिए पहले भी अगर हम देखें तो बड़ी सारी स्कीम्स हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बट उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया है और इसके इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिव करने के लिए जो टारगेट बेनिफिशरीज़ हैं उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है एफिशिएंट मैनर में और वो रोल प्रोवाइड करेंगे इस बार हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ जिनका पेविटल रोल होगा ई e गवर्नेंस के माध्यम से अगर हम देखें तो हम सब ट्रैक कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके हम सिस्टम को कर सकते हैं। लिए एक पोर्टल बना दिया गया इस पोर्टल के थ्रू क्रेडिट मैनेजमेंट को किया जाएगा और इसी पोर्टल में आप जाके अप्लाई करें और आपको लोन की सुविधा मिल जाएगी इट विल हेल्प इन इंटीग्रेटिंग दी वेंडर्स इन टू दी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम जैसा कि हमने पहले भी देखा कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा बनेंगे जो कि अब तक इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन लेते आए हैं और डेब्ट ट्रैप में फंसते आए हैं अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए द लोन्स थ्रू दी स्कीम वुड हेल्प टू किक स्टार्ट एक्टिविटी फॉर वेंडर्स दिस इज फॉर श्योर जैसे इनको लोन मिलेगा इनकी जो एक्टिविटीज जो रुकी हुई थी लॉकडाउन के कारण जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमी के कारण अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे रिज्यूम नहीं कर पा रहे थे उनको एक केक स्टार्ट मिलेगा और डिस्पाइट मल्टीपल स्कीम्स रनिंग फॉर दिस स्ट्रीट वेंडर्स जिसमें बहुत सारे गैप्स और लूप होल्स हैं इंप्लीमेंटेशन में आइडेंटिफिकेशन में और अवेयरनेस में इस स्कीम के थ्रू उसको भी क्या किया जाएगा कैप्चर किया जाएगा बेनिफिट्स लाइक मेटर्निटी अलाउंसेस एक्सीडेंटल रिलीफ नेचुरल डेथ कंपनसेशन एजुकेशन सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन फॉर हायर स्टडीज

तो उससे ये बेहतरी से कॉम्बैट कर सके लड़ सके सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीएम स्वनिधि अभियान आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो